चिल्फी पुलिस की सराहनीय पहल। वर्षों से बिछड़े बुजुर्ग को मिलाया परिजनों से, परिजनों ने पुलिस के प्रति जताया आभार। चिल्फी पुलिस के सक्रियता और सूझबूझ के चलते वर्षों से बिछड़े एक 65 वर्षीय बुजुर्ग को उनके परिजनों से मिलाया, जिससे परिजनों ने चिल्फी पुलिस को धन्यवाद देते हुए आभार जताया है। यह पूरा मामला ग्राम तलझारी थाना लिट्टीपाड़ा जिला कापूर झारखंड का, जहां एक 65 वर्षीय बुजुर्ग जिसका नाम तसीब अपने परिवार से बिछड़ गया था, जिसे चिल्फी थाना प्रभारी सतेंद्र पुरी गोस्वामी ने इंसानियत दिखाते हुए गुमे इंसान की तलाश किया, जहां अथक प्रयास से चिल्फी पुलिस को सफलता मिली और बुजुर्ग को परिजनों के सुपुर्द किया गया, जहां परिजनों ने पुलिस के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनों से मिल खुशी जाहिर किया। हपड़ा, हपड़ा से चले गए एकदम आंध्रा ईस्ट। आंध्रा से जंगल में रहते थे, चार साल रहते हैं जंगल में। ऐसे कपड़ा कुछ नहीं है, ऐसे डायरेक्ट एकदम निकलते थे। एक तो कपड़ा भी नहीं था, ऐसे जंगल में रहते थे 4 साल। रात में सोते थे जंगल में, कुत्ता में ताट, गाँव आने से ताटते थे। ऐसे हालत में सोते थे, ऐसे भूखे में सोते थे, कपड़ा कुछ नहीं। खाना कैसे नाने आते हैं? ऐसे थाना खाने में चले आइए, परसों दिन चले आइए, घुमाने चले आइए, वैसे पकड़ते हैं, पैदल चले आइए। अब गाँव जा गए? अभी गाँव जाएंगे। अच्छा, आपके रिलेशन रिलेशन में हम जाते हैं। नहीं, कोई आए हैं ले जाने के लिए आपको? हमको आने के लिए आए हैं। नहीं, आप जो आए हैं बताइए। आए हैं हमको ले जाने के लिए। कोई आए हैं आपके घर? हमारा दोस्ती के असल आए हैं लगने के लिए, वही भी हम आए। पता चला कि एक आदमी घूम रहा है, जो स्थिति उसकी ठीक नहीं है। इस स्थिति में मैं वहाँ, हमारे स्टाफ वहाँ जाके तस्दीक किया, ऊपर इसको लेके आया, किससे पूछताछ किया गया। ये बताया कि मेरा नाम, उसका नाम रसिक कर्मकार है, जो झारखंड जिला बाकुर का रहने वाला है। लिटी तलझारी इसका गाँव पड़ता है। इससे पूछताछ करने पर यह बताया कि 4 साल पहले ये अपने घर में काम की तलाश में बाहर निकला था, लेकिन वो फिर वो घर नहीं जा सका। प्रयास किया तो ये नहीं जा पाया, मतलब घर का रास्ता नहीं मिल गया, भटक गया था। और आज ये थाना चिल्फी में मुलाकात हुआ, तो फिर इससे इसके परिजनों को, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। तो वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पे इनके परिजनों को संपर्क झारखंड से किया गया। झारखंड से संपर्क करने के बाद में इसके परिजन आज उपस्थित हुए हैं, इनको आज यहाँ सौंपा जा रहा है। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट। देखते रहिए सीजी विजन टीवी।